इनायत क़ीमों से हमें सबसे पहला सबक जो दिया गया वो सिद्धि के हुक्म पर था। अल्लाह सुभान व तआला ने सिद्धि का हुक्म फरमाया, ये हुक्म था अल्लाह का कि आदम को सिजदा करो। मलाइक ने हुक्म बजा लाए और शैतान ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। ये अल्लाह ताला का हुक्म था, आमर था सिजदा करना, लेकिन इसमें इनकार शैतान ने किया। ये जानकर के तुम उससे ये मिट्टी से बना है तो अल्लाह के हुक्म पे उसने नक्स निकाला, एतराज रखा दिल में और एतराज किया सजदा करने से, देखे अल्लाह के हुक्म को ना बजा लाया। तो ये पहला सबक दिया गया औलाद आदम को कि दुनिया में जब तुम बख्शोगे भेजा जाएगा तो तुम पर जब अम्र हो अल्लाह का हुक्म हो तो तुम्हारे सामने अल्लाह का हुक्म मानने में कोई आर नहीं होनी चाहिए, कोई मियार नहीं होना चाहिए, कोई हिकमत नहीं होनी चाहिए। बस एक चीज जहन में होनी चाहिए कि मेरे रब का ये हुक्म है, इस हुक्म को बजा लाऊं। न मानने की कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई हालात किसी किस्म के भी इसमें रुकावट नहीं बन सकती, बल्कि इस हुक्म को मानना ही होगा। जो भी अल्लाह ताला दुनिया के अंदर अहकाम भेजेंगे उन अहकाम को हमें
बजा लाना है। अगर नहीं बजा लाएंगे उसको हमको नहीं मानेंगे तो फिर हजब शैतान में दाखिल हो जाएंगे शैतान के गुनाहों के अंदर, और वही अंजाम होगा कि जो शैतान के ना मानने का हुआ। यही अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वस्कुन للملائكه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, इब्लीस ने इनकार कर दिया। वजह उसकी अबा वस्तकबर, यानी ये वजह बताई अल्लाह ताला ने, ये सबक भाई इसको दोहराना है हमें पक्की तरीके से। हम कुरान इसलिए पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे ईमानों को और यकीनों को मजबूत करे। देखिए बार बार हम ये आयत पढ़ रहे हैं, मैं आगे नहीं पढ़ता है फिर आयतों को पढ़ता हूँ तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। कुरान की आयत ऐसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे एक आप सेब डाल दें जूसर में जूस निकालने के लिए, तो उसको आप जितना दबाते रहेंगे जूस निकलता रहेगा, हत्ता कि उसका जूस कतरे कतरे करके गिलास में गिरना शुरू हो जाता है। तो कुरान की आयत भी ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें से जब तक जूस निकलता जाए निकालते रहो, और जब अल्लाह ताला जहां तक समझ जाए और अपने फजल और तौफीक अता फरमाएंगे खुद ब खुद वो आयत जो हमें आगे की तरफ ले चलेगी, यानी हमारी हैसियत के मुताबिक हमारे अकल के मुताबिक जो हमें चाहिए वो कुरान हमें बताता चला जाएगा। तो जब तक उस आयत में से वो चीजें निकल रही हैं जो कि हमारी जरूरत की चीजें हैं जो हमें चाहिए, तो उस आयत को छोड़ने का मकसद नहीं है। तो इसलिए मैं आयत को पढ़ रहा हूं, पढ़ता हूं तो उसमें से फिर जूस के कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं तो मैं इनको फिर जमा कर लेता हूं। जब ये कतरे निकलने बंद हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जहां तक देना था, क्योंकि ये तो ऐसा समंदर है ये तो खत्म हो ही नहीं सकता, बस हमारा यहां तक खत थी जो अल्लाह ताला हम इस आयत से समझाना चाहते थे, तो खुद ब खुद वो दूसरी आयत की तरफ अल्लाह ताला धकेल लेते हैं, उसमें से मानी निकलना बंद हो जाते हैं। इस आयत में जो हमने पढ़ी तो हम फिर दोबारा बार बार पढ़ रहे थे, बड़ा सबक यह है कि दुनिया के अंदर पहली चीज जो है वो अल्लाह का हुक्म होगा, हुक्म मिसाल कायम कर देना, वो हर हुक्म मिसाल सजदे का होगा। यानी क्या, ये सजदा एक मिसाल बन गई है, यही नहीं कि सजदा हुक्म दिया तो उसने इनकार कर दिया तो सिर्फ सजदे का इनकार ना करो, नहीं, बल्कि सजदा एक सैंपल बना दिया हमने कि अल्लाह ताला का हर हुक्म जो भी होगा वो मिसल सजदे के होगा। किसी चीज का भी आपको हुक्म आ रहा है कि ये काम करो तो ऐसे होगा जैसे अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म दिया था, इससे कहा सजदा हमारे सैंपल बना है, ये कोई एक ही इबादत का नाम नहीं है, बल्कि हारे हुक्म जितने भी अहकाम अल्लाह पाक के हम पर नाजिल होंगे वो मिसल सजदे के होंगे, याद रखें। इसलिए सजदा जो है हमारे लिए एक मिसाल बनाकर पेश किया अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि सजदा नमाज के हुक्म मानना बाकी हुक्म अल्लाह के नाम माने, नहीं, सजदा तो एक मिसाल बनाया अल्लाह ताला ने कि मेरा अमर का अमर है ये, बस मेरा हर अमर जो होगा मेरा हर हुक्म जो होगा वो इसके मिसाल पे होगा, जैसे मैंने सजदे का हुक्म दिया था और शैतान ने इनकार कर दिया था। तो हमारे लिए हर हुक्म जो होगा इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला का आएगा वो ऐसी होगा जैसे कि सजदे का हुक्म अल्लाह ने शैतान को दिया था। तो किसी भी हुक्म इनकार करना वो ऐसे ही होगा जैसे कि शैतान ने सजदे का इनकार किया था, और हर हुक्म की वही सजा होगी जो शैतान को दी गई थी सजदा ना करने पर। तो ये एक मिसाल है सजदा, असल मतलब इसका क्या है, इस मिसाल से ये सैंपल दिया गया, सजदे से सारे अहकाम अल्लाह के सारे एक नए अहकाम होंगे, उसका हुक्म दिया जाए जो भी मेरा हुक्म आएगा उसका इनकार नहीं करना। इनकार करने से बहुत बड़ी टाइटल रख दिया है कि सिर्फ एक ही चीज अल्लाह के हुक्म से इनकार करा सकती है इंसान को, याद रखें कि जो मुतकब्बर होगा बहुत बड़ी सजा है मुतकब्बर, कि मुतकब्बर ही अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानेगा उसके अंदर किबरी किबर होगा, तो पता चलता है कि जो भी अल्लाह के हुक्म को नहीं मानने वाले लोग हैं उनमें सबसे बड़ी बुराई मौजूद होती है। छोटा हुक्म या बड़ा हुक्म, अल्लाह का सारे हुक्म बड़े हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा है, उसका हर हुक्म बड़ा है, बस याद रखें। एक मिसाल तो अल्लाह ताला ने ये कायम फरमा दी हमारे लिए कि भाई इस आयत से उस पहला सबक, अब दूसरा सबक क्या दिया, दूसरा सबक ये दिया
وَقُلْنَا يَا عَدَمُ اسْكُنْ وَأَنْتَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلْ لَهُ مِنْ رَغَدٍ حَيْثُ شِئْتُمَا. آدم السلام کو کہا بچ آرام کر، تیرا مسکن بنا دیا، یہ تیری بیوی ہم نے تو دے دی، تیری شادی ہم نے کر دی، زوجہ تیری دے دی، اس میں ساتھ کا کھاؤ، اس جنت میں سے کھاؤ، اس میں جو بھی چاہو اور جہاں سے بھی چاہو، سبحان اللہ، یعنی کھلی چھٹی ہے تو مزے کرنے کی. تو سبق کیا ہے کہ دنیا میں انسان چلا جائے تو اللہ پاک اس کو نعمتیں دیں گے، آسائش دیں گے، جیسے آدم السلام کو جنت میں مل رہی، آپ کو کھانا دیں گے، بلڈنگیں دیں گے، کوٹھیاں دیں گے، سمجھے نا، اونچے اونچے چیزیں عطا فرمائیں گے، سب مام آپ کے سے دیں گے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، اس سے دوسرا کہ ان نعمتوں کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر میں تمہیں دوں گا جیسے آدم السلام کو ہم نے دی ہے. رقلا مین نارا گدم، خوب کھاؤ جہاں سے چاہو، ہے سوشی تم جتنا چاہنا چاہتے ہو تم کھاؤ، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلا حکم کیا تھا؟ امر کا تھا نا، پہلا سبق. اور دوسرا کیا دیا جا رہا ہے؟ منکر کا. ولا تقرب هذا الشجره فتكون من الظالمين. آدم السلام کو کہا جو چاہو کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ کیا ہے؟ کہ ولا تقرب هذا الشجره، اس درخت کے نزدیک بھی مت جانا. اس کے تقرب هذا الشجره، اس کے قریب بھی نہ جانا، نزدیک نہ جانا اس کے. فتكون من الظالمين، ادھر کیا فرمایا تھا؟ من الکافرین، یعنی میں حکم کو بجا لانا ہے. اب یہ کیا ہے کہ جس چیز سے میں منع کروں اس کے قریب بھی نہ جانا، وہاں حکم ہے اور یہاں کیا ہے؟ نہ کرنے کا حکم ہے. یہ دو حکم کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، یاد رکھیں ہمیں حکم کی دو قسمیں، ایک کرنے کی ہیں اور ایک نہ کرنے کی، دونوں کی ویلیو ہے. اگر کرنے والا نہیں مانیں گے تو فرمایا من الکافرین، اور نہ کرنے والا اگر ہم باز نہیں آئیں گے، ہم وہی کام کریں جسے اللہ نے منع کیا ہے، تو فرمایا من الظالمین. دونوں میں جدید چیز ہے، دونوں کا انجام اللہ پاک نے بنا دیا. میں حکم دے رہا ہوں اس کو کرو، سمجھ میں آیا نہیں؟ جو بھی جہاں بھی ہو، جدھر آپ کو حکم آ جائے میرا، سبحان اللہ، سمندروں میں حکم آ گیا وہاں پورا کرو، دریاؤں میں آ گیا وہاں پورا کرو، جس ملک میں ہو جہاں میرا حکم آ جائے، کسی کا کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا تمہارے لیے. نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کہتا تھا، پھر کیا ہے؟ من الکافرین. جہاں میں منع کر رہا ہوں تمہیں کسی چیز سے، کسی ملک میں ہو، کہیں ہو، جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، میں جس چیز کو منع کر دیا تو تم نے اس چیز کو چھوڑ دینا ہے. تو دو چیزیں، دو، یہ دوسرا سبق ہے. ولا تقرب هذا الشجره فتكون من الظالمين. امر، یعنی ایک تو اللہ، اب دنیا میں دو چیزیں ہمیں دی ہیں اللہ نے، ایک یہ حکم آئے گا میرا اس کو بجا لانا ہے، نمبر دو جن چیزوں سے میں منع کروں اس کو نہیں کرنا، دونوں یہ برابر حکم اللہ تعالیٰ کے، یہ دونوں کرنے ہیں ہم نے، دونوں میں سے ایک چیز بھی انسان نہیں چھوڑ سکتا. نہ کرنے کے بارے میں ایکسٹرا طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، دوسری چیز بیان فرمائیے، وہ ایک اور انداز سے فرمائیے، وہ تو سیدھا امر آ گئے تھے سجدہ کرو، یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے. للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، اسجدوا لآدم فسجدوا، اللہ اکبر. لیکن یہاں کیا فرمایا ہے؟ ولا تقرب هذا الشجره فتكون من الظالمين. اچھا، وہاں سجدے کو سیمپل بنایا گیا حکم کے طور پر، اور یہاں کرنا نہ کرنے کا سیمپل کون سا دکھایا؟ درخت. اب درخت کی اس بحث میں ہم ہی جائیں گے کہ ادھر گندم کا تھا، مختلف قوال ہے، کوئی انجیل کا تھا، کوئی کہتا ہے انگور کا تھا، کوئی کہتا ہے گندم تھا، ہمیں سے گسرا تھا، ہمیں پتا کیا چیز تھی. گندم کے سیمپل ہے، نہ کرنے کا ایک سیمپل بنایا ہے، کہ کیا ہے؟ جس طرح سجدہ بتایا کہ میرا حکم ایک سیمپل ہے، ہر میرا حکم جو ہوگا سجدے کے مطابق ہوگا، اور ہر نہ کرنے کا حکم جو میرا ہوگا وہ ایک درخت کے مانند ہوگا. جیسے جنت میں آدم سے درخت کو منع کیا گیا، تو جو بھی دنیا کے اندر میں تمہیں منع کروں گا کوئی چیز، اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے میں نے آدم السلام کو جنت میں اس درخت میں قریب جانے سے منع کیا تھا. وہی اللہ تعالیٰ کسی فیض چیز سے، کسی بری چیز سے منع کر رہے ہیں، بالکل ہمارے سامنے درخت کی مثال ہوگی، جیسے درخت کو وہاں منع کیا تھا، سیم وہی ہے یہاں پر. وہ شجر جو ہے ساری منہیات کو ریپرزینٹ کر رہا ہے،
जितनी भी अल्लाह तआला के अहकाम ना मानने वाले होंगे उन सबको रिप्रेजेंट क्या करता है, वो दरख्त कर रहा है। सैंपल दिया अल्लाह तआला, मिसाल दिया है। और करने के हुक्म कौन करता है, वो सीधा मिसाल दिया आपने। ये एक पर्टिकुलर चीज के साथ मुंसलिक नहीं है, यह बार बार आपको याद करा। जब हम किसी चीज को अल्लाह तआला ने मना किया हो कि मत करो और हम वो चीज बाज ना आ रहा है, तो फिर इस आयत हम हमें सोचना पड़ता है। अल्लाह तआला तकर्रब इस दरख्त के नजदीक नहीं जाना था, इस बुराई के नजदीक में जाना तुझे मना किया था मैंने। बुराई क्या, सिजदे के वो इसके मानिंद होगी, दरख्त के मानिंद बन जाती है इंसान के लिए। तो फिर यहां की चीज बताइए, बुराई के बारे में अल्लाह तआला ने बड़े अंदाज अजीब अंदाज से मना फरमाया। ये नहीं कहा कि बुराई मत करो, ये नहीं कहा बुराई मत करो, क्या तकर्रब उसके भी मत जाओ। ये बड़ी सोचने वाली बात है, बुराई के बारे में क्या है, उसके करीब भी मत जाओ, क्योंकि बुराई के अंदर इतनी ज्यादा जाज़बियत और अट्रैक्शन है। इसकी वजह क्या है, सुभानअल्लाह, इसकी वजह ये है कि दो अवामिल, जो दो चीजें जो आपको धकेलेंगी बुराई की तरफ, कौन सी दो बड़ी चीजें, शैतान और सबसे बड़ा नफ्स जो है इंसान को उसकी तरफ धकेलता है, उसकी तरफ खींचता है, पूरी मदद करता है उसकी कि ये बुराई करे। ये याद रखें, दो चीजें ऐसी हैं, करीब भी जाएंगे तो नफ्स आपको खींच लेगा उस बुराई की तरफ। तो हुक्म ये कि करीब भी मत जाओ उस चीज के, यानी अपने आप पे एतमाद मत करो, मैं बहुत मुत्तकी हूं, बहुत नेक आदमी हूं, मुझसे थोड़ी होगा, ये चीज नहीं होगी, मैं तो ये काम कर नहीं सकूंगा। नहीं, अल्लाह ने हुक्म फरमाया गैर के करीब मत जाओ, गैर महरम से पर्दा करो। तो अब हम उसके करीब भी नहीं जाना, हम कहें नहीं तो हमारे चाचे का पुत्र है, तो मामे का पुत्र है, मेरे सगे भाइयों की तरह है, मेरे सगे बाप की तरह है, सगे चाचा की तरह है, कितनी मोहतबर आप रिश्ते बता दें, लेकिन गैर महरम है वो, उसके सख्त। ये जो एक्सक्यूज हम करें की तरह है, की तरह है, ये नहीं की तरह चलेगा, नतीजा क्या निकलता है, नतीजा बड़ा खतरनाक निकलेगा। और चाचे की तरह, मामे की तरह, या बड़े भाई की तरह, फलां की तरह, मुंह बोले बेटे की तरह, तरह होते होते तरह उस नफ्स निकाल देता है, क्योंकि है तो गैर महरम, और फिर कोई और कहानी बन जाती। हुक्म यह है बुराई के लिए, ये बहुत बड़ी नसीहत अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि जब बुराई का मामला है तो उसमें ये नहीं करना कि भाई बुराई हम नहीं करते, नहीं नहीं, बल्कि बुराई के जितने अवामिल हैं, जितने सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को भी इस्तेमाल ना, उसकी भी नजदीक ना जाए। मिसाल के तौर पर जैसे टेलीफोन हमने लिया हाथ में, चलो भाई कुरान सुनते हैं, इसमें बड़ा अच्छा कुरान है, उसकी किरात सुनते हैं, बैठे अपने कमरे में अकेले ना किरात सुनते हैं, और इसकी बुराइयां भरी पड़ी हैं टेलीफोन में, तो हुक्म क्या करेंगे, अल्लाह का हुक्म क्या है, ना तक तो हाथ सज जाता, इस तरह के करीब भी ना जाओ आदम साहब का, हम उसको इम्प्लाय करेंगे, हादिस टेलीफोन, इस टेलीफोन के नजदीक भी ना जाओ, क्योंकि इसमें यकीन कुरान मौजूद है लेकिन इसके अंदर बुराइयां भरी हुई हैं, बुराइयां मौजूद हैं, तो उन बुराइयों में ज्यादा ताकत होती है करने में, आपको धकेल लेगी वो। अगर आपने अपने एतमाद किया, कॉन्फिडेंस किया, और आपने उस टेलीफोन को खोल लिया, आप दुनिया आप सब जानते हैं, देख आपको अच्छी तरह पता सब, वो कुरान आप पढ़ते पढ़ते आपको कहीं से कहीं ले जाएगा, आपने बटन दबाया एकदम और चीज आ गई, नफ्स ने एकदम झक्का मारा आपको, आपने थोड़ा सा हिलाया, बस वहीं आपको बिठा दिया नफ्स, शैतान ने आपके अंदर वसवस डाला, अब आप कहीं से कहीं निकल गए, क्योंकि अल्लाह के हमने इस हुक्म को नहीं माना जो आदम साहब को क्या कहा था आपने, अल्लाह तकर्रब हज़ शजा, इसके नजदीक पे तुमने नहीं जाना। तो बुराई की इतनी गंदी चीज है, बुराई इतनी गंदी चीज है कि उसके नजदीक भी जाना जो है, उसकी अवामिल को अख्तियार करना भी जो है, वो सबसे बदतरीन चीज है। तो पहली से फेस में हमें ये करना चाहिए बुराई से बचने के लिए कि भाई उसके जितने अवामिल हैं, जितने भी इसके सोर्सेज हैं, उनको हम बंद कर दें, उन सोर्सेज को बंद करें। बुराई तो बहुत देर की बात है, और सोर्स की तरफ हमने नहीं जाना, क्योंकि हमारे में इतना कॉन्फिडेंस, इतनी ताकत नहीं है। शैतान और नफ्स के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है उनको कि हमें क्यों दी है, इसकी वजह क्या है, वजह ये नहीं कि हम पे कोई जुल्म किया है, नहीं नहीं नहीं,
क्योंकि दुनिया आश्रम में भेजा गया जन्नत, और जन्नत में पहले सबक दे दिए गए दोनों, जन्नत से सबक मिल रहा है ना दोनों, अमर का भी मिला है और नहीं का भी मिला है, ना करने का भी हमें मिल रहा है, दोनों सबक अल्लाह ताला ने हमें पहले से दे दिए और कुरान में रिपीट कर दिया इस चीज को। तो इस किस्से को अल्लाह ताला ने, मैंने क्या पता जरूरत थी अल्लाह ताला हमें आदम सलाम की इस किस्से को बताने की, वो कहानी तो नहीं है, इसलिए कि हम इन चीजों को अपने जहन में रखें। पक्का ये अल्लाह ने पहले ही बता दिया था, जन्नत से आप अल्लाह ने सब खबर दे दी थी कि दुनिया में दो चीजों से आपको वास्ता पड़ेगा जो आपने करनी है, अमर और जाए, करने का हुक्म आएगा और बाकी चीजों से तुम्हें रोका जाएगा, इन मना किया जाएगा, इन दोनों को तुम, ये दो मेन चीजें इस दुनिया की जिसपे पूरा इम्तहान है हमारा, याद रखे पूरा इम्तहान इन दो चीजों पर हमारा है, इतनी जबरदस्त चीज है दो, सुबह से देखिए शाम तक ये दो चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं, आप देख रहे हैं या तो करने का हुक्म आ रहा होगा या किसी चीज से मना किया जा रहा होगा, आप देख रहे हैं सुबह से आप उठे रात तक आप देख रहे हैं, दो ही चीजों के अलावा तीसरी चीज अल्लाह ताला की हमारे पास नहीं आती, या तो करने का हुक्म आ रहा है ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, एक एक कदम पे अल्लाह ताला का हुक्म आता है हम पर, और दूसरी तरफ दूसरा हुक्म नहीं करने का आता है, इसी तरह हर कदम पे मत करो ये मत करना ये मत करना ये मत करना है, हम इसको तो इग्नोर करते हैं ना, चौड़े जो हैं दुनिया के अंदर भूल गए ना आखिर, चौड़े हुए हैं ना हम इस दुनिया में, बड़े अल्लाह ने ये तो कहा था आदम सलाम को, हमने खाओ पियाश करो भाई तुम अकुला महीना रगदन है इसको शी तुम खाओ पियो जहां से चाहो तुम खाओ पियो, ये ना दुनिया दे दिया हमें, मान मकान है गाड़ी है सब भूल भाल के, हम किससे सारे किस लिए नहीं आए थे, क्या मकसद हमारा, ना हम कुरान पढ़ते हैं तो बस यही है कुरान की वही आयत हमें पढ़ते, कितनी चीजें निकल रही है इस कुरान की आयत से, क्योंकि हम इस्लाह के लिए सीख रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें दोज़ख की आग से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले जो इतना बड़ा हमारे सामने इम्तहान है मेरे बोला। अबू दाऊद की हदीस है, आप देखें सोचें हमारे हमारा असल देखें, अनायशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना ज़करत नार फबकत, अल्लाह अकबर, आयशा फरमा रही है कि उन्होंने आग का जिक्र किया तो रो पड़ी, आग का जिक्र आया तो रोना शुरू कर दिया, आयशा सिद्दीका ने बताया कितनी बड़ी दुनिया की औरत है ये, सारे रुतबे कुछ भी ना हो आप अंदाजा उनके रुतबे का उनके मुकाम का उनके दर्जे का आप इतनी अंदाजा लगा ले, आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुजरे में तशरीफ रखते हैं, आपका जिसमें मालिक नहीं है, तो आप अंदाजा लगा रहे कि क्या दर्जे की औरत होंगी और क्या मुकाम जन्नत में उनका होगा, हमारा हाल हम किस चक्कर में हम मजे करने में, हम पता नहीं कि कौन सा हमारे क्या हुक्म आ रहा है और किस चीज से हमें मना किया जा रहा है, ये तो छोटा सा हुक्म इससे क्या फर्क पड़ता है, कसम इतना सख्त वक्त है धची निकल जाएंगे हमारे आप याद रख, मौत का कुछ पता चलता है एक झटका लगता है इंसान को तब्दील होने में, एक सेकंड इंसान को तब्दील कर देता आदमी, चलता चलता टांग में दर्द हुआ हो क्या हुआ जी बस टांग की हड्डी टूट गई, अभी तो ठीक था आधे घंटे पहले वो टांग से चलना बिगाड़ हो गया, रात को सोया सुबह उठा तो हाथ नहीं हिला क्या हुआ जी, आज सोया था पता नहीं क्या हुआ जी अजीब दर्द हो गया हाथ, हर एक के साथ होता है मेरे साथ भी हर इंसान के साथ ही होता है, वो ये नहीं कि उसके लिए कोई एस्टिमेट करना पड़ता है किसी चीज का, ये तो जिंदगी हमारी। तो आयशा जो थी कहती हैं मैंने अनहज़करत नार फ़क़त फ़बक़त रो पड़ी रोना शुरू कर दिया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा युबकी, आयशा क्यों रोती हो क्या हुआ ठीक ठाक थी तुम्हें क्या बात हुई क्यों नहीं हंसता, हाँ नबी करीम ने पूछा कितनी मोहब्बत करते थे आप हंसता, आयशा साहब को पता है कालत सकर तुम नारा फ़क़ई तुम अल्लाह या रसूल सल्लम आप आपकी याद ने उन्होंने मुझे रुला दिया, वो तू तो महात्मा मोमिनीन है नबी पाकसम की अवजाजा है तुझे आग का क्या फिक्र, अंदाजा ये हकीकत है कैसे मजमून है हदीसों के अंदर, बहुत दाऊद की हदीस सुना रहा हूं आपको, अगर हमें इतना यकीन हो जाए इस खबर के बारे में कि इस अमल के साथ हमने अल्लाह ताला की हुक्म नहीं माना, हमने नमाज देर से पढ़ी है, हमने नमाज में गफलत की है, अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया था कि तुम इसके साथ ऐसा मत करो हमने वो किया है, अल्लाह ताला ने हम फला हुक्म दिया था हमने अभी वो किया है उसको छोड़ा है, अल्लाह ताला ने फला हुक्म दिया था वो छोड़ा है, उस पर हमने बहाने मारे हैं उस पर बहाने मारे हैं उस पर एक्सक्यूज निकाला है
उस पर नफ्स ने हमारी एक्सक्यूज पेश की है, नफ्स पेश करता है ना, जैसे शैतान को नफ्स ने पेश किया है। पूरा कुरान ने ये मिसाल देकर बताई है जी, पता है। तो ये सब इनकी सजाएं नहीं है, अल्लाह ताला कहता है कितनी बड़ी सजाएं, दो ना करने पर उमर का हुक्म आता है, अल्लाह ताला कहता है सुभानअल्लाह इन काफिरीन, और नहीं पे जो हुक्म आता है कि तुम्हें अगर वो चीज मैंने मना किया फरा मैंने जालिमी, तो उनको भी जन्नत में भेजा जाएगा, अल्लाह के हुक्म के लिए बहाने मारते हैं। नहीं जी क्या करें, मजबूरी है कि बच्चे जी कहते हैं फरा जी ये क्यों बाहर निकल गई, बस क्या करें जब घर बैठी रहे, घर में रखें उसको। सुभानअल्लाह, क्यों हम बिल्कुल बेफिक्र हो गए, कबे की हड्डियों में पता नहीं हमारा छिड़का होगा, मौत कितनी नजदीक भी नहीं पता। आयशा जो थी वो माँ भी कालत जकर तू नारा हबा गई तू या सुलसन है, तो आग ने मुझे रुला दिया इसकी याद है। फिर एक सवाल किया, बड़ा अजीब सवाल किया, तस्करू ना आलिकुम योमल ख्यामा अल्लाह, मेरे प्यारे हबीब मेरी शोहर आप तो अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं आपकी महबूबा हूं आपकी घरवाली हूं, क्या अपने घर वालों को क्यामत के दिन याद रखेंगे। सुभान अल्लाह, आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला नबी करीम से सवाल कर रहे कि हमारा क्या हाल होगा, मैं तो एक ही सारा है कि हम याद रखेंगे आप उस वक्त हम आपके घर वाले हैं। फ़क़ान रसूल अल्लाह वसल्लम अम्मा फी सलातिन मवातिन फला यस्कुन्ना अल्लाह अल्लाह। फरमाया आयशा बात तो यह है कि तीन जगहें इतनी सख्त हैं, तीन जगहें इतनी सख्त हैं, जब अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी आपके दुश्मन क्या थी, लेकिन नसीहत कैसी फरमाई हम सब लोगों को। आप तो शाफी हैं, आपकी क्या बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन किस तरीके से हमसे समझाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरीके से हमें अब पैदा करने की कोशिश की ये समझें, अपनी मिसाल देकर, अपने अहल की मिसाल देकर, अपने खानदान की मिसाल देकर हमें समझाया। ऐसे बात यह है कि तीन जगह ऐसी हैं कि उसमें कोई याद नहीं रहता। हाय हाय हाय, अभी जल्जला आ जाए ना, यहाँ जल्जला ठीक है ना, जल्जला आएगा तो मैं फिर किस लांग लगाऊंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि नीचे क्या और कौन फंसा है वहां पे, ये किसका क्या हाल है। हाँ कोई साथ बैठा होगा तो हाथ खींच लेगा आदमी, लेकिन मैं कहूंगा ये फौरन अपनी जान बचाऊंगा किसी तरीके से, वो तो क़यामत की घड़ी होंगी भाइयों, इस चक्कर में पड़े लोगों के लिए हम गुनाह करते हैं। खामिद को राजी करने के लिए, खामिद को राजी करने औरत कितने बड़े बड़े गुनाह करती है और भाना मारती है, मेरे खामिद नाराज होते हैं इसलिए मैं पर्दा नहीं करती, मेरे खामिद ये कहते हैं तो इसलिए मैं काम करती हूँ बाहर जाती हूँ, मैंने घर वालों को सपोर्ट करना होता है, मेरे जो है वो कहते हैं तो मैं कैसे इनकार करूँ, बताए कैसे कैसे बहनों के साथ औरत और मर्द जो है वो गुनाह करते हैं। वहां कोई काम आएगा खामिद आपके फलाने जगह पे तो कोई याद नहीं करेगा, वहां तेरा खामिद काम आएगा इसको बाहर निकाले जा काम करो मेरे पैसे कमा के। ये औरत जो खामिद को गलत काम कराती है वो करते हैं गलत काम, वो खाम बीवी के लिए करते हैं नहीं जी, बाल बच्चों के लिए हम ये काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए हम ये कर रहे हैं जी, सूद खा रहे हैं बदमाशी कर रहे हैं, बस ये बच्चों की खातिर कर देते हैं, की करिए जी, गलत दस्तक करते हैं, गलत हराम दकारियां करते हैं, झूठ फ्रॉड धोखा नाम किसके बच्चों को ये करते हैं। तो क्या अल्लाह के नबी फरमाते हैं किस जगह पे कोई याद काम नहीं आएगा, मुझे ये बताएं कि ये बच्चे तेरे काम आएंगे, ये औलाद तेरे काम आएगी, ये बीवी तेरे काम आएगी जिसके खातिर तू गंदे काम कर रहे। इस मामले में आदमी क्वाइट सेल्फिश होना चाहिए, क्वाइट, क्योंकि बिल्कुल अल्लाह ने कह दिया कि दो चीज जहां अमर पे, अमर पे किसी के साथ मुत्तफिक ना हो, जहां मेरा हुक्म आ रहा हो किसी के साथ मुत्तफिक ना हो, उस पर किसी का कॉपरेट ना हो, नहीं कभी नहीं हो सकता, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए आप खड़े, अल्लाह का हुक्म है मैंने अल्लाह के हुक्म को मानना है, ये जाती है जाए, वो जाता है जाए, फलां जाता है जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म को नहीं टाल सकता। क्यों, कितनी बड़ी मिसाल दी कि वो जो आशिक अल्लाह था, आशिक अल्लाह यानी कि दुनिया कहती थी बल्कि क्या फरिश्ते कहते थे कि तो आशिक अल्लाह है शैतान, उसके सजदे उसके सजूद उसकी बातें, कभी किसी के सजदे बातों इबादतों पे ना जाए आप, अल्लाह तो अंदर से देखा शैतान को, तो अंदर से जानते थे है क्या मुनाफिक, इसके अंदर है क्या।
ये मुतासिर करने वाली चीजें नहीं है, ये चीजें इंसान को, असल चीज तो और है जिससे इंसान मुतासिर होता है, उस चीज से मुतासिर हो जिस चीज को अल्लाह पसंद करता है, वो बातिन है इंसान का, बातिन में सफर साफ हो तो फिर अल्लाह पसंद करता है उसको। तो फरमाया तीन जगहें ऐसी कि सब भूल जाएंगे जिनके खातिर हम गुनाह कर रहे हैं, तो उनका क्या हो, तो आपको याद करें तो अपनी ऐसी की तैसी हुई होगी वहां पर। नंबर एक फरमाया कौन सी जगह पहली चीज कौन सी है, मीजान के पास। जब मीजान के पास आदमी जाएगा तो कहां पर आओ, उसका होश उड़े होंगे, उसका मेरा होता क्या मीजान में, अगर ये हल्की होती है या भारी मुझे नहीं पता इसके साथ मेरा क्या हाल होगा, मेरा अमाल इसमें जाके कैसे तुलेंगे, घबराहट का अजीब आलम होगा उस वक्त, यानी कोई लफ्ज नहीं इसके कहने के। अल्लाह के नबी फरमाते जब तक उसको मालूम ना होगा कि भाई कम होती है ज्यादा होती है, उसके होश उड़े होंगे, हम यस कुल हंत किताब अल्लाह। और दूसरा कब होगा, वंदल किताब है ना जो काल, जब आम माल नामे का वक्त आएगा, अब वो हैरान होगी इस आमे के वक्त मेरे साथ क्या हिलाम क्या होने वाला है, इस अमाल नामे में मेरे साथ क्या फैसला होने वाला है, ये किधर मिलेगा मुझे ईमान नामा, दाएं हाथ में मिलता है या बाएं हाथ में जाते हैं मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरह से हाथ में किस से मिल रहा है मुझे, दाएं हाथ से मिल रहा है बाएं हाथ से मिल रहा है पीठ से मिल रहा है, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा उसका हाल खराब रहेगा। तीसरा कौन सा वक्त हुआ, वंद सिलात इजा वदिया बैन ज़हर व जहन्नम रवाहु दाऊद। तीसरी चीजों पर सिलात होगी जो जहन्नम की पीठ के ऊपर रखी होगी, अल्लाह बारीक होगी उस पर गुजर, अब उसको ये पता होगा मैं गुजरूंगा तो मेरा हाल क्या होगा, इतनी बारीक जगह से धुमनाक अंधेरे के अंदर उस बाल से बारीक जगह पर उसने गुजरना होगा, मुझे उस आदमी का क्या हाल होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वहां कोई याद नहीं आता किसी को, कितनी बड़ी नसीहत फरमाई है, अपनी मिसाल दी है, आपकी दुश्मन और अहले बैत की शान तो क्या हो सकती है, बख्शे बख्शे अल्लाह। लेकिन देख ऐशा सही रोज इस मामले तो मेरे भाइयों अल्लाह का अमर और नहीं का जो मामला आया है ना करने का, और अभी से अल्लाह ताला ने बता दिया, और दोनों की मिसाल मिसाल दी को मानने सजदे और मानने, हर हुक्म अमर का जो हुक्म मानने को वैसे ही जैसे सजदे का इनकार किसी ने किया, कोई भी हुक्म आ रहा है छोटा बड़ा कुछ भी, तो हर हुक्म जो ना करने का उसकी मिसाल वो ये दरख्त के मानंद है कि जैसे दरख्त के साथ इनकार किया था और इसमें किया। अब यहाँ मैं आपको बताऊं इसका इन चीजों से क्या हम अपना सबक हासिल करें, क्या चीज समझ आती है हमें, आप इस दुनिया के दुनिया मारे तो हम इसमें आप देखें मुख्तलिफ इन दो हुक्म पर अमर और नहीं पे मुख्तलिफ हालतों में लोग तकसीम हो चुके हैं। तजिया कर लें आप, मैं नहीं कर रहा आप भी तजिया करें। एक ग्रुप तो वो नजर आएगा कि जो ना अमर को मानता है और ना इनकार को मानता है, ना है करने को मानते हो ना करने को मानते हो, तो बस तो अपनी जिंदगी के अंदर बस है ईमान वाले, ईमान वाले की बात करो, काफू की नहीं बात कर रहे, ईमान वाले की बात करो, उसको पता ही नहीं कि अल्लाह को कौन सा है, कहां मैंने अल्लाह को मानना है कहां नहीं मानना, कुछ पता नहीं था, तो यही कि खाओ पियो मजे करो बस। हम इससे पैदा किए गए बड़ी बड़ी गाली लें बड़े बड़े ये लें, बच्चों को ये यश कराएं, बच्चों को फलां कराएं, उनके नई प्लेट निकालें, उनको फलां करें, खाएं पिए और कुछ नहीं, कहां आराम है कहां हलाल है, किसको मना किया है किसको नहीं किया। एक तो ये ग्रुप प्लेन है बिल्कुल, नजर आ रहा है भाई आपको इसमें से। एक ग्रुप कैसा बन गया कि वो क्या करते हैं, अमर को तो मान जाते हैं उनको को नहीं मानते, उस पर तो जोर है अमर पे, नमाजें पढ़ो खूब पढ़ें, हज करो हज करें, तो हाँ रोजे रखो रोजे करें, सब कुछ करें, इसको तो माने जा रहे हैं खूब, लेकिन जहां हुक्म तक है ये बदमाशी मत करो, गाने बजाने मत करो, ऐसी मेहनत मत लगाओ, सूद मत खाओ, बेहाई मत करो, इसको ना छोड़ दिए, इसका कोई परवाह नहीं है भाई। दूसरा ग्रुप ये सेकंड ग्रुप है इस दुनिया के अंदर, नहीं किस तरह तकसीम कर दिया शैतान ने हमें ग्रुपों के अंदर, अल्लाह ने तो हमेशा दो काम देकर गया ये भेजा था दुनिया के अंदर, दो काम देकर भेजा था कि हुक्म मानना है और जिस चीज से मना कर दूं उसको बाज आ जाना है बस। तो हमने शैतान ने कितने ग्रुपों में तकसीम कर दिया, जो हमारा दुश्मन है उसने कितने ग्रुप बना दिए। दूसरा ग्रुप कौन सा है कि अमल को मानते हैं बस, ये करो नमाजें पढ़ो रोजे करो फला करो आलिम बनो उलमा करो, ये इस पर लगा दिए, चलो ये लगा रहे, वो समझते हैं बड़ा कामयाब जा रहा हूं,
बड़ा ठीक ठाक दिन, बड़ा नमाजी हूँ जी, बड़ा वाला है, और दूसरा हिस्सा जो है नहीं करने का, उस पर हाथ रख लिया उसने, जी तो अल्लाह गफूर रहीम है जी, वो नाल की होंगे जी, ये नमाजें हैं जी बड़ी, उसे नमाज हम नमाज पढ़ लेते हैं जी, बच्चे नमाज पढ़ लेते हैं जी, घर में इतने बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं, बेहयाई की इंतहा हुई है, कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, दाढ़ी पेट पे जा रही, नमाज कभी नहीं पढ़ी जमात था उसने, जुम्मे भी कभी नजर नहीं आते। ये जो दूसरा हुक्म था उसको बिल्कुल जो उन्होंने ठप कर दिया, बस मानने वाला मान उस पर चल रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए, नफ्स के लिए कि लोग हमें शरीफ समझे। अच्छा तीसरा ग्रुप क्या बनाया शैतान ने, जी उन्होंने क्या किया कि जो ना मानने वाला था उसको पकड़ लिया और करने वाले को छोड़ दिया, ये भी आप देख रहे हैं, उन्होंने ना मानने वाले को पकड़े, भाई ये काम मत करो, ये काम मत करो, भाई नहीं ठीक है जी, ये नहीं करता है, हम किसी के तो हम इसको तो मानते रहते हैं, ये नहीं करो भाई, फलां नहीं करो, इसको मानने, लेकिन अमर जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये करो उसको छोड़ दे, लोगों का हकूक भी खा जाते हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं। क्या कहते हैं जी, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, अल्लाह का हुक्म है, जी इसके नमाज तो ठीक है, लेकिन हम देखो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितने बड़े हम क्या कहते हैं सोशल देखें काम कर रहे हैं, लोगों को लिए कितना बड़ा हम काम कर रहे हैं, फला फिर नमाज पे चलो, वो नमाज अल्लाह ताला बख्श देगा, जहां अमर को भूल गए, अमर को भूल गए, बिल्कुल नहीं को बोल रहा है, ये भी ग्रुप बन गया शैतान ने, इनको जहन्नुम, किस तरह जहन्नुम के ग्रुप तैयार किए उसने। और चौथा ग्रुप क्या है सुभान अल्लाह, चौथा ग्रुप कौन से, अल्लाह, वो ग्रुप ये है कि अमर को भी मानता है और नहीं को भी मानता है, अल्लाह के हुक्म के पूरा मानता है और जो ना करने का हुक्म है उसको भी पूरा मानने की कोशिश करता है, ये वो ग्रुप है जिसको अल्लाह ताला ने कही जन्नत, इसके लिए हमने जन्नत बनाई है, ये असल मकसद को समझ गया इस दुनिया में आने का, इस मिसाल को समझ गया जो हमने कुरान के अंदर दी थी, वैस कुल मलाइकत सुदु याद फसद इबलीस दवा वस्तक खान काफरीन वकुल ना याद मसकुन अंता व जो जुगल जन्नता कुल मिन रकद हैशुशी तुम वला तकबह हाज शजत फतकुन मिन जालिमिन। वो मैं इस आयत को समझ गया था दुनिया के, उसने कुरान समझ गया कि हमारा मकसद तो है कि हमें क्या करना है, बजा लाना है तमाम चीजों को। अब हम सोचें जरा, हम कौन से ग्रुप में भाई हो, अपना तजियर तो करें, अपनी सलाह के लिए हम पढ़ रहे हैं, तकीने वॉइस तो नहीं करते बैठ गया, नुकात तो नहीं निकाल रहा, हम तो कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रोज हर आयत के बाद हमें नसीहत फरमा दे। अब खुद फैसला कर लें हम किस ग्रुप के अंदर हैं, ईमान से फैसला कर लें, ईमान से खुद फैसला कर लें हम किस ग्रुप में, क्योंकि मौत और जिंदगी हमारे साथ में, मैंने मिसाल आपको दी है बहुत बड़ी, किस ग्रुप में हम हैं, जुड़ने हैं, मुनाफत नहीं करनी अपने साथ, फंस जाएंगे लोग, असला फैसला कर लेंगे तीन चार ग्रुप से किस ग्रुप में, क्या कंप्लीट हम वाकई हर हुक्म मानते हैं अल्लाह ताला का, हर ना करने का जो हुक्म उसको मानते हैं, ये झोल मारते हैं उसमें। याद रखें कि ये तीन चार ग्रुप जो बने किसने बनाए, शैतान की वजह से बने हम सारे, ये चौथा ग्रुप कैसे बन गया, ये कैसे बच गया, उनको तो नफ्स शैतान ने भगा दिया, ये चौथा आदमी किस तरह बचा है, नहीं सोचिए तो क्या अल्लाह ताला ने इंसाफी करने का इतनी ताकत नफ्स को और शैतान को दे दी, वो इंसान को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, भगा देता है, तो अल्लाह ने तो इंसान के लिए कोई चीज नहीं दी कि जिससे वो बच जाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तो इतनी बड़ी ताकत इतनी बड़ी चीज दी है कि शैतान और नफ्स वहां चल ही नहीं सकते, और वो है नबी पाक की शरीयत और सुन्नत, सुभान अल्लाह, शरीयत और सुन्नत में इतनी ताकत है कि शैतान नफ्सा पानी पानी हो जाता है, किसी फेल पे अगर नफ्स और शैतान आपको भगा रहा है, आपने फौरन शरीयत का सहारा पकड़ लिया, सुन्नत का सहारा पकड़ लिया, वो तो एकदम भाग नफ्स, मिसाल के तौर आपको कह रहा है शैतान, नफ्स कह रहा है चलो भाई देखो टेलीफोन में ये प्रोग्राम देखते हैं, ये देख लें आप देख लें, नफ्स आपको धकेल रहा है, आपने बचने कैसे, आप कि क्या शरीयत और नई सुन्नत इजाजत देती है मुझे करने की, सुभान अल्लाह, जहां आपने उसकी तरफ रुजू किया, उससे फैसला कराना चाहा कि मैं सुन्नत से फैसला करना करूंगा, पहले मुझे करना चाहिए नहीं चाहिए, किस तरह मुझे कुरान इसमें सुनना चाहिए या नहीं चाहिए, इस चीज पर मैं सुन्नत से फैसला करता हूं, और सुन्नत आपको फौरन फैसला देती है, ला तकर्रुबा, कौन बताएगी, ला तकर्रुबा
हाजा शजरतन, खबरदार इसके इस दरख्त के करीब मत जाना, तो बड़ा शैतान बन देगा तुझे इस दरख्त के साथ। उसने तो बिल्कुल कह दिया कि उसके करीब भी ना जाना, तो इसके अंदर भाई खतरनाक है, कुरान है तो इसके साथ बुराई बहुत है, मैं तो नहीं जाता। और फौरन आदमी बच जाएगा। ऐसी बात नहीं, अल्लाह ताला ने हमें वसाइल तो सोर्स नहीं दी हुई है, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी सोर्स दी अल्लाह ताला ने। वो इंसान कभी जहन्नुम में जा ही नहीं सकता बना वो औरत मर्द जो अपने जिंदगी के फैसले तो सुन्नत पे छोड़ दे, हर फैसला उसके साथ करे। किसी से आपका झगड़ा हो रहा है, अब आपको गुस्सा आ रहा है, नफ्स बढ़ा है कि मैं इसे बदला लूं, नफ्स शैतान आपको खूब धकेल उस तरफ किससे गुनाह कर रहा हूं, आप फौरन कहें कि इस वक्त शरीयत का क्या हुक्म है, तो मैं इससे बदला लूं, इसे माफ कर दूं। अब शरीयत ने हुक्म दिया कि इसको माफ कर दो, तो सारे गुस्से पे जो कुछ भी आपको हो जाए आप कहें मैं माफ करता हूं, आप जीत गए। आपसे तो भाग जाएगा, पता ही चलेगा उसको, फौरन अल्लाह की मदद भी फौरन आपके पास उतरेगी। तो असल ये गेम है सारा, अल्लाह ताला हमें आजमाना चाहता है कि कौन मेरे हबीब के तरीके पे चलता है, क्योंकि दुनिया बनाई मैंने अपने हबीब के लिए, कामयाब भी उसी करूंगा मेरे हबीब के पैरोकार होकर आएगा मेरे पास, वही इसको हर चीजों से बचाएगा, हर मुसीबतों से बचाएगा। ताकि वो शरीयत के मुताबिक चलेगा, मेरे हुक्म को मानेगा, शरीयत सुन्नत मेरे हबीब के मुताबिक मानेगा, मैं क्या उसको रुसा करूंगा दुनिया में, क्या जलील करूंगा, क्या भूखा रखूंगा, क्या उसके साथ जुल्म होंगे, जो जुल्म होंगे थोड़ी बहुत भी चीजें उसके साथ होंगी, वो सिर्फ आजमाइश उसके दर्जात को बुलंद करने के लिए करूंगा। अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह सुभान तआला हमें इन आयत पे सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक। हर आयत के बाद देख रहे हैं आप नबी करीम की सजद शरीयत और सुन्नत शरीफा हमें बचाती है। आज पूरी दुनिया ने उसको छोड़ दिया, तो तभी तो इतने सारे ग्रुप बन गए, वाहिद एक ग्रुप बख्शा जाएगा जिसने सुन्नत और शरीयत को पकड़, सारे फैसले जो उसमें ये नहीं इतने बटे बताइए, तीन ग्रुप है वो मुकम्मल तौर पर जिस जिंदगी खाना पीना नौकरी कारोबार घर बार चलना फिरना बेनतहा नुकसान हो रहे हैं उनकी जिंदगी में, उसको याद रखें, यही तो आजमाइश। हजरत बिलाल के पास गाड़ियां थी कोई है? कितनी मर्सिडीज थी, कितने के पास मकाना थे, कितनी कोठियां थी, बताओ मुझे, ये कोठी छूटी वाले ड्रामे है सारे। अपने आप को इंसाफ से देख लें, इंसाफ से देख लें आप, कोई चीज अल्लाह के यहां मकबूल नहीं है, इल्म फलाह शलाफ कुछ भी नहीं, अल्लाह के नजदीक तो एक ही चीज है कि कौन मेरा हुक्म मानता है और कौन मेरा हुक्म नहीं मानता, उसको देखना अल्लाह ताला ने, बस कुछ नहीं। उसके बाद फिर देंगे अच्छा ये मेरा हुक्म भी मानता था और नहीं मानता था, ठीक है इसने और इसके अमाल अब ले आओ, मैं उन अमालों को तोड़ता हूं। अगर ये चीज नहीं है उसके अलावा, शैतान के पास वाली चीजें सारी, इल्म भी था शैतान के पास, सब कुछ था, नहीं था तो क्या था, अल्लाह का हुक्म नहीं मानता था। ऐसी किताब कुरान हदीस में से क्या फायदा, वो तकीर है, कुछ फायदा नहीं। मेन चीज ये है कि अपनी जिंदगी को हम किस पे उतारें, जहां तक हमारी समझ जाए अल्लाह के हुक्म को बजा लाएं, जहां अल्लाह मना करे उस हुक्म से हाजिर जाए। अल्लाह पाक हम सबको तोहफा